हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ जो नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग असम राइफ़ल्स। जी हाँ, असम राइफ़ल्स में जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, सरकारी नौकरी है। देखिए, उसमें कह सकते हैं कि काफ़ी वैकेंसीज निकली हुई हैं और 1380 वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हालाँकि ये नोटिफिकेशन जो है वो 13 अप्रैल 2022 को जारी हुआ था, लेकिन इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो डेट है वो 6 जून 2022 से शुरू हुई, यानी कल से ही ये डेट शुरू हुई है। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं आपके सामने असम राइफ़ल्स की ये नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, असम राइफ़ल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2022 इज़ टेंटेटिवली शेड्यूल्ड फ्रॉम 1 सितंबर 2022। देखिए, 1 सितंबर 2022 से ये शुरू हो सकती है, यहाँ पर जो यहाँ पर टेंटेटिव डेट दी गई है। तो देखिए, यहाँ पर जो जानकारी वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट asamrifles.gov.in पे भी जाके मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन फिलअप की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं SBI बैंक काउंटर्स एज वेल, यानी आपको जो फ़ी पेमेंट करनी है SBI बैंक काउंटर्स पे जाके इसका फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखिए फ़ीस कितना है यहाँ पर। तो देखिए, फ़ी स्ट्रक्चर एंड डिटेल्स, अगर फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें, ग्रुप बी पोस्ट के लिए जो रिलीजियस टीचर्स हैं एंड ब्रिज एंड रोड पोस्ट ओनली, तो उनके लिए 200 रुपीज़ रखी गई है। और जो भी ग्रुप सी पोस्ट हैं एक्सेप्ट रिलीजियस टीचर एंड ब्रिज रोड पोस्ट, इन दोनों के अलावा जितनी भी पोस्ट हैं उन सब के लिए यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। यहाँ पर आपको नो फी इज चार्ज फ्रॉम कैंडिडेट्स बिलोंगिंग्स टू शेड्यूल कास्ट SC ST फीमेल एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए यहाँ पर जो है कोई भी कह सकते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। अगर आप SC ST फीमेल हैं या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं करनी है। अब बात करते हैं सेंटर्स फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और रिटन टेस्ट। तो देखिए, ये आपके सेंटर्स की लिस्ट दे रखी है, आप इस पे जाके आराम से चेक कर सकते हैं। अब हम अपने अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए, ये जो फॉर्मेट है, कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स एज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब OBC EWS मस्ट एंश्योर डेट दे आर इन पोजेशन ऑफ सर्टिफिकेट इन प्रॉपर फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड बाई द कंपिटेंट अथॉरिटी इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी। यानी जब भी आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम पर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स आपका होना अनिवार्य है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। यानी जो फिजिकल टेस्ट होगा, यहाँ पर जो PWD के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये नहीं है, यानी उनको ये एग्ज़ाम नहीं देना है। ओनली ए सिंगल एप्लीकेशन पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड। चेंज ऑफ कैटेगरी एंड ट्रेड ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट रैली विल नॉट बी एंटरटेनमेंट। मोबाइल वगैरह जो है वहाँ पर अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव रिक्रूटमेंट एंड एज क्राइटेरिया। देखिए, अगर बात करें एज क्राइटेरिया की, तो देखिए यहाँ पर 18 से 23 साल एज रखी गई है एज ऑन 1 अगस्त 2022। यानी 1 अगस्त 2022 को आपकी एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 होनी चाहिए, यानी इसके बीच में होनी चाहिए। अगर हम बात करें एग्जैक्ट यहाँ पर, तो देखिए 1 अगस्त 1999 एंड 1 अगस्त 2004 के बीच में यहाँ पर जन्म होना चाहिए, तो आप यहाँ पे आसानी से चेक कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं एज रिलैक्सेशन। तो देखिए, जैसे सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में क्या एज रिलेक्शन, अगर आप SC ST हैं तो 5 साल है, OBC 3 साल, सर्विंग असम राइफल्स हैं तो देखिए अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज फॉर क्लर्क एंड 35 ईयर्स एज ऑफ अप टू रिलीजियस टीचर्स। अगर आप देखें एक्स सर्विसमैन के लिए, तो देखिए 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, जो भी आपकी मिलिट्री सर्विस है उसमें से अगर आपके 3 साल माइनस करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो आप उसकी सर्विस को हटा के 3 साल का आपको रिलेक्शन दिया जाता है। एक्स सर्विसमैन OBC 6 साल और एक्स सर्विसमैन SC ST यहाँ पर 8 साल दिया जाता है। 10% वैकेंसीज जो हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई हैं इन रिलीजियस टीचर, ऑपरेटर रेडियो लाइन, आर्मर एंड IR ट्रेड्स। इफ सुटेबल ESM कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, वैकेंसीज रिजर्व फॉर ESM विल बी फिल्ड बाई नॉन ESM कैंडिडेट्स।
अब बात करते हैं, देखिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका, अगर आप किसी कैटेगरी में नहीं है तो देखिए नॉर्मल, अगर अनरिजर्व हैं तो क्या, आपका चेस्ट जो है मेल के लिए यहाँ पर देखेंगे हाइट यहाँ पर 170 सेंटीमीटर रखी गई है और जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो 80 और 85 रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें देखिए जो गढ़वाली हैं, कुमाऊं, गोरखा, इन सब कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 165 और आपका जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो 78 से 83 होना चाहिए। अब देखिए एसटी कैटेगरी के लिए तो देखेंगे आप 162.5 यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। देखिए अगर आप एसटी नहीं हैं या जो आपको कुमाऊं, गढ़वाल इन कैटेगरी में नहीं है तो 170 सेंटीमीटर, अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 162.5 और चेस्ट मेजरमेंट 76 और 81 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं देखिए पीएसटी के लिए, अगर हम पीएसटी की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपका हाइट जो है 170 जैसे आपको बता दिया, फीमेल्स के लिए यहाँ पर 155 हाइट रखी गई है और अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो 150 यहाँ पर फीमेल्स की हाइट रखी गई है, बाकी सब यहाँ पे डाटा सेम है। हाँ अगर आप हवलदार क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए 165 यहाँ पर आपकी हाइट है, यानी आपको अगर पीएसटी देना है हवलदार क्लर्क के लिए देखना है तो यहाँ पर आपकी हाइट जो है 170 ना होके 165 रखी गई है, फीमेल्स के लिए 155 रखी गई है। और वहीं अगर आप एसटी से हैं तो 162.5 एंड 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहाँ पर रहेगी। और भी आप देख सकते हैं अगर राइफल मैंस, आया, पैरामिलिट्री फोर्स इन सब में डालना है तो आपकी हाइट जो है 157 एंड 155 होनी चाहिए, फीमेल्स के लिए चेस्ट का यहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तो देखिए यहाँ पर अगर मेल कैंडिडेट्स हैं तो उनके 24 मिनट्स का टाइम दिया जाता है और वहाँ पर उनको 5 किलोमीटर की रेस जो है क्वालिफाई करनी होती है। फीमेल्स के लिए 8.3 मिनट्स में यहाँ पर 1.6 किलोमीटर, अगर लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो देखिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर टू रन 6.3 मिनट्स में एंड फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट्स में यहाँ पर कंप्लीट करनी होती है। ट्रेड टेस्ट, अगर स्किल टेस्ट की बात करें हम, द कैंडिडेट डिक्लेयर पास इन द ट्रेड स्किल टेस्ट विल ओनली बी अलाउड टू अपियर इन द रिटन टेस्ट, पहले जो भी आपका ट्रेड स्किल टेस्ट होगा उसके बाद ही आपको रिटन टेस्ट में बैठने की परमिशन दी जाएगी। टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन पर्सनल विल बी कंडक्टेड आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ, यानी जब आपका पीईटी पीएसटी हो जाएगा उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा, अगर स्किल टेस्ट आपका क्लियर हो गया उसके बाद आपको रिटन एग्जाम में बैठने की परमिशन दी जाएगी, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, मिनिमम पासिंग मार्क्स अगर जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 35% हैं और एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 33% जो है मार्क्स रखे गए हैं फॉर क्वालिफाइंग। डिटेल्ड फिर मेडिकल एग्जाम होगा आपका, फिर मेरिट लिस्ट एंड कॉल लेटर के लिए बुलाया जाएगा आपको, पे स्केल अगर आप देखेंगे तो जो भी आपका पे स्केल एडमिशन होगा पर्सनल के लिए वो आपको दिया जाएगा। तो जैसे ही मैंने आपको बताया वैकेंसीज जो यहाँ पर लगती है 1380 वैकेंसीज मानी जा रही है। देखिए ये जो पोस्ट हैं टोटल आप देख सकते हैं, ये पोस्ट हैं आपकी ब्रिज एंड रोड, ये बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। इनकी जो रैंक शुरू होती है नायब सूबेदार, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, या तो आप मैट्रिक होने चाहिए यानी 10th लेवल पे आप इसको दे सकते हैं, और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर ब्रिज एंड रोड, एज लिमिट इसकी 18 से 23 साल है। अब ट्रेड के लिए क्लर्क के लिए बात करें तो देखिए मेल फीमेल दोनों के लिए है ये, रैंक जो शुरू होती है हवलदार से होती है और यहाँ पर इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपका 10+2 लेवल का यहाँ पर होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर, इंग्लिश टाइपिंग एंड मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर, अगर हिंदी की बात करें तो 30 वर्ड्स पर मिनट, एज लिमिट यहाँ पर देखेंगे तो 18 से लेके 25 साल है। अगर आप रिलीजियस टीचर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर नायब सूबेदार की रैंक से स्टार्ट होता है फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, ये देखिए मेल कैंडिडेट्स के लिए है और एज यहाँ पर 18 से 30 साल है। यहाँ पर आप देखेंगे आपका ग्रेजुएशन विद मध्यमा इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी, संस्कृत और हिंदी में आपको किया जाना चाहिए इसके लिए, और 18 से 30 साल यहाँ पर एज रखी गई है। देखिए यहाँ भी देख सकते हैं आप सेम ट्रेड ऑपरेटर के लिए यहाँ पर देखिए एज 18 से 25 साल है मेल कैंडिडेट्स ओनली, रेडियो मैकेनिक जो है मेल कैंडिडेट्स ओनली और यहाँ पर एज भी 18 से 23 है, आर आर्मर के लिए मेल कैंडिडेट्स ओनली,
यहाँ पर भी 18 से 23, और आप देखेंगे ये सभी आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट हैं, लैब असिस्टेंट हैं, वेटनरी हैं, इन सब की एज देखिए 18 से 23 18 से 23। जहाँ पर आज बात करते हैं वेट फील्ड असिस्टेंट, तो यहाँ पर 21 से 23 एज रखी गई है। तो देखिए अगर आप ये सब पोस्ट देखेंगे, ये पोस्ट जो है आपकी स्टेट कैटेगरी वाइज दे रखी हैं। देखिए स्टेट में कितनी पोस्ट हैं, अंडमान निकोबार में अगर देखें तो SC ST OBC, ये पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पूरा एक आप चेक कर सकते हैं कि किस राज्य में किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी हैं, उस आधार पर आप अपना फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। आप ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, किस पोस्ट पे कहाँ पे कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं, कि ये पूरे के पूरे स्टेट वाइज है। ग्रेड एप्लीकेशन फॉर असम राइफल सर्विंग पर्सनल्स, अगर सर्विंग पर्सनल है तो उनके लिए भी दे रखा है यहाँ पर, रैंक क्या क्या रहेगी वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी तो आप देखिए यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, ये नंबर आपके सामने दे रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बड़ी आसानी से इन पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो देखिए ये थी जानकारी रिगार्डिंग असम राइफल्स की नोटिफिकेशन के लिए। देखिए एक बहुत अच्छी पोस्ट है, रेस्पेक्टेड पोस्ट है, अगर आप इसको फिलअप करना चाहते हैं तो देखिए आपका नोट जो कह सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चलिए फिर मिलेंगे आपसे, जय हिंद जय भारत।